गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा चैनल आपको रियल स्टेट ट्रेनिंग और रियल स्टेट में बेस्ट एडवाइस देने का काम करता है। मैं हूं राजवंत सिंह वाली, रियल स्टेट मेंटर, रियल स्टेट बुक्स का ऑथर एंड मोटिवेशन स्पीकर। आज का टॉपिक रियल स्टेट इन रियल सेंस, सबटाइटल 20,000 रुपये से एक रात में 7 लाख रुपये कमाए। दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है, सच्ची स्टोरी है, आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये गांव लिख रहा हूँ, विलेज दगाम, DHAGHAM, दगाम, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर पंजाब, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर पंजाब की ये घटना है। हम किसी बात पर, हमें नवांशहर जो है, नवांशहर जो शहीद भगत सिंह नगर बन गया, अब वहाँ पर किसी दलाल का हमें फ़ोन आता है कि हम, आप हमें मिलके जाओ। तो हम जाते हैं, मिलके जाने में वहाँ पर उन्होंने हमारी बहुत अच्छी सेवा की, होटल में लंच वगैरह कराया, जो भी खाना पीना था खाया पिया। खाने पीने के बाद कहने लगे कि आपको हम एक जायदाद दिखाना चाहते हैं, एक एग्रीकल्चर लैंड दिखाना चाहते हैं, तो वो हो सके आपको पसंद आ जाए। अच्छा, हम उनके ओबलाइज थे, कुदरती ओबलाइज, हम ऑब्लिगेशन फील कर रहे थे कि इन्होंने यार हमें बुलाया, लंच कराया, बढ़िया होटल में बिठाया, और चलो हमने कहा चल देख लेते। मेरे साथ मैं, मेरा साथी एक तजिंदर, एक जरनैल सिंह, तीन बंदे हम थे, चौथा हमारा ड्राइवर था। तो हम खाना खा के अपनी 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 कार में, हमें वो विलेज दगाम में ले गए। दगाम ये गढ़शंकर के पास है, और गढ़शंकर में इसकी रजिस्ट्री हुई थी। वहाँ पर हमें इन्होंने ज़मीन दिखाई, 22 एकड़ ज़मीन। तो 22 एकड़ ज़मीन दिखा के, मतलब वहाँ कुदरती बात है, उस दिन काफ़ी बरसात हो रही थी, जब हम वहाँ खेत में पहुँचे तो बरसात हो रही थी। तो वो हमें दिखाई, और दिखाने को लिया, मैं तो कार से उतरा ही नहीं, मैंने कहा यार क्या देखना है, चल देख लिया, ठीक है। तो एक जर्नैल सिंह जो मैं, मेरे साथ थे, वो कहते चल मैं देख आता हूँ। चलो वो चले गए देख के, मतलब घूम के आ गए, ज़मीन सिलेक्ट हो गई। और हमने कहा कि ये पार्टी कहाँ रहती है, पार्टी रह रही थी उस महलपुर के आसपास, परमजीत सिंह सैनी NRI था कोई, वहाँ पर बैठे थे वो। उनको फ़ोन किया, फ़ोन करके हमारी महलपुर में मीटिंग करवाई, और मीटिंग करवाने के बाद हमें डील ठीक लगी। मैंने उठा के 20,000 रुपया सही दे दी उसको, और मेरा जो साथी तेजिंदर पार्टनर था वो कहता भाई साहब यहाँ पैसे देने का क्या काम है आपने, अभी देखो इसको तसल्ली करो, ये करो। मैंने कहा कुछ नहीं तसल्ली करनी, हम यहाँ आए हैं कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। तो हम वहाँ पर रात को 20,000 रुपये दे के आ गए। और दूसरे दिन जब 7-8 बजे, जैसे मेरी रूटीन है, उठ के मैं अपने दोस्तों को फ़ोन करता हूँ, तो मैंने सुबह उठ के फ़ोन करे, एक 2-3 बंदों को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे ज़मीन ली है हमने दगाम में, 22 एकड़ ज़मीन है और 2 ट्यूबवेल कनेक्शन है उसमें। तो यहाँ 22 एकड़ ज़मीन और 2 ट्यूबवेल कनेक्शन के साथ तो बहुत, मतलब अच्छी, मतलब मानी जाती है। तो उनमें एक तजिंदर सिंह पूनिया था बंदा जिससे बात करी, तजिंदर सिंह पूनिया को वो ज़मीन के बारे में कुछ पता था। तो मेरे को फिर बोलने लगा कि क्या आपने फिर ये बेचने के लिए लिए या आगे कुछ करना है। मैंने कहा यार देख लेंगे, बेची नहीं, बिकी तो बेच भी देंगे, नहीं बिकी, कहते बताओ क्या लेना है इसका। तो मैंने कहा तुमने ज़मीन, कहते मैंने देखी हुई है। तो मैंने कहा ठीक है, देना तो हमें 10 लाख रुपया फालतू दे दो, तो हम ये सौदा आपको दे दें। कहते नहीं 5 ले लो। वो करते करते 7 लाख में डील हो गई। मैंने सिर्फ 20,000 रुपया दिया था, बाकी सारे के सारे पैसे तेजिंदर सिंह ने दिए। तेजिंदर सिंह के नाम पे एग्रीमेंट हुआ, तेजिंदर सिंह के नाम से हमने आगे, मतलब उनको पेमेंट करी, तो उसकी रजिस्ट्री भी तेजिंदर सिंह ने करवाई किसी के नाम पे। तो मतलब मैं 20,000 रुपया दे के आके, सिर्फ मैंने फ़ोन किया, और फ़ोन करने के बाद मेरे को 7 लाख रुपया प्रॉफिट दे दिया। मैंने, मेरा जो 2-3 बंदे थे हमारे में, मतलब जो भी है हमारी, हम दिहाड़ी बोलते हैं, अभी दिहाड़ी बन गई है। तो जो जरनैल सिंह था, हमारा पार्टनर नहीं था, कुछ नहीं था, जरनैल सिंह घूमने गया था, तो जरनैल सिंह को एक चक्कर लगाने का 50,000 रुपये दिया हमने। ये 2005 के आसपास की बात है। सो मतलब ये देख के पता लग जाता है यार ये प्रॉपर्टी कैसी है, इसको लक भी आप मान सकते हो, या इसको मैं समझता हूँ कोई कैलकुलेशन है, जो कैलकुलेशन के हिसाब से मान सकते हो, क्योंकि जिस रेट में वो ज़मीन मिल रही थी उस रेट में हमें काफ़ी सस्ती लग रही थी। और सस्ती का कारण
परमजीत सिंह सैनी जो NRI पार्टी थी उसके मालिक थे, वो बाहर से आए थे, उन्होंने बेच के जाना था, तो हमने सिर्फ 20,000 रुपये के साथ उनके साथ लिख्त करके आके तेजिंदर सिंह को ये ज़मीन बेच दी, और तेजिंदर सिंह पूनिया ने आगे पता नहीं क्या रेट में बेची है या अपने नाम पे करवाई पता नहीं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप में कोई कैलकुलेशन हो, कंपैरिजन ऑफ रेट हो, मैनिपुलेशन हो, जो रियल स्टेट की बेसिक नीड है तीन, यदि ये हो तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट में ले जाती हैं चीज़ें। रियल स्टेट की तीन बेसिक चीज़ें मैं बार बार बोलता हूँ, कैलकुलेशन है, कंपैरिजन ऑफ रेट और मैनिपुलेशन। इसमें मैनिपुलेशन क्या, मैं आसपास में चक्कर लगाया मतलब अपने दिमाग में कि ये आदमी प्रॉपर्टी का ज़मीनों का काम करता है। मैं ये बात करने के लिए फ़ोन किया कि कहीं हमने महंगी तो नहीं ली, क्योंकि बगाना शहर था, बगानी जगह थी वो, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस था कि ये हमने ठीक ली है। तो ये टेलीफोन करने में ही हमें तेजिंदर सिंह ने 7 लाख रुपया दे के हमारे से ज़मीन ले के अपने पास से सारा कुछ किया। ये इस तरीके की बातें होती रहती हैं। ये बात एक बार 1995 में मेरे साथ हुई, बनूर में कोई सिनेमे का प्लॉट था 1 एकड़ का, तो दूर था मतलब सिनेमे का, उसने CLU लिया हुआ था शायद, तो वो बेचना चाहता था, किसी रेट में बेच रहा था 5-6 लाख रुपए के आसपास, 1 एकड़ का जो था। तो वो हमने कोई करा के उसका मेरे को सौदा करवा दिया राजपुरे वाले गुरदीप सिंह ने, तो राजपुरे वाले गुरदीप सिंह ने सौदा करवा के 5,000 रुपया हमने साई दे दी। तो दूसरे दिन जब मैं वहाँ गया, वहाँ एक बासमा गांव है बनूड़ के पास, वहाँ का सरपंच तुलसा सिंह मेरे को मिला कि कहता सरदार जी आपने ये ज़मीन ली है? मैंने कहा हाँ ली है। तो कहता आपने बेचनी है? मैंने कहा नहीं यार, अभी तो कल ली है, अभी तो इसका मैंने एग्रीमेंट करना है। वो कहता आपने क्या एग्रीमेंट करना है, हम ही इसको बेच के एग्रीमेंट करवा देते हैं आपको और की ज़मीन दे देंगे। आप यकीन नहीं करोगे, 5,000 रुपये के साथ उसने मेरे को दूसरे दिन 55,000 रुपये दिया, 50,000 रुपया साथ में मेरा प्रॉफिट दे दिया। इस तरीके की डील्स आपको मिल जाती है। यदि आप इसको लक का नाम देना चाहते हो, लक का नाम दे लो, या इसमें कैलकुलेशन लगा लो, आपकी मैनिपुलेशन लगा लो, आपके रिलेशन लगा लो, आपका कॉन्फिडेंस लगा लो, ये चीज़ें भी पे करती हैं। यदि आपके पास ये चीज़ें हों तो आप किसी भी चीज़ को, किसी भी बंदे को बेच सकते हो, प्रोवाइडेड आपकी इंटेंशन भी सही हो कि सामने वाले बंदे को फंसाना नहीं है। यदि सामने वाले बंदे को फंसाने वाली बात हुई, फिर आप एक बार तो पैसे कमा लोगे, दो बार कमा लोगे, लेकिन ऊपर वाले की नज़रों में आप कहीं ना कहीं डिफाल्टर हो जाओगे। सो इस बात का ध्यान रखना कि हमने सामने वाले को लूटना नहीं, उसका फ़ायदा करवाना है। यदि हम उसका फ़ायदा करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारा फ़ायदा अपने आप ही हो जाता है। दोस्तों, कोई आदमी मेहंदी लगाता है, दूसरे के हाथ पर मेहंदी लगाने से पहले मेहंदी वाले बर्तन में हाथ उसका डलता है जिस आदमी ने उसके दूसरे आदमी के हाथ पर मेहंदी लगानी। इसका मतलब ये, जब आप दूसरे के हाथ में रंग भरना चाहते हो तो अपना आपके हाथ में उससे पहले रंग भर जाएगा, क्योंकि आपका हाथ मेहंदी वाले बर्तन में उससे पहले जाएगा। सिंपल मैसेज, आप कर सकते हो करो, जरूर करो, डेफिनेटली करो यार, करने वाली चीज़ें हैं ये कुछ भी नहीं है। आपके पास कॉन्फिडेंस हो जाए, आपके पास नॉलेज हो जाए, आपके पास कैलकुलेशन आ जाए, आपके पास कंपैरिजन ऑफ रेट आ जाए, आपके पास मैनिपुलेशन आ जाए, ये चीज़ें तो बड़े आराम से हो जाती हैं। सो दोस्तों, आज के लिए इतने। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में जाके कोई अपना कमेंट पर बात बता देना, कोई अपने दिल की बात कह देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा देना, ताकि आपसे कोई अच्छी वीडियो मिस ना हो जाए। बहुत जल्द मिलता हूँ, आप ध्यान रखें, सीखते जाएं, पढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, ऐसे डील तो आपके पास सैकड़े आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप अपना ध्यान रखें, मैं आपको बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके रूबरू होऊंगा। थैंक यू।